तो भाई साहब मैं आज आपको एक ब्लिजर्ड अटैक दिखाऊंगा। हाँ गाइस, वो आर्मी इजीली टाउन हॉल 11 पे 12 पे और 13 पे 14 पे इजीली काम कर सकता है, ठीक है गाइस, आपको कोई भी दिक्कत वाला नहीं होगा। तो चलिए गाइस इस अटैक को हम शुरू करते हैं। तो गाइस ये रहा हमारा फर्स्ट वेस, पहला वेस, ठीक है, फुली मैक्स है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा। हम पहले ही हमने किंग को डिप्ले कर दिया और पीछे से गोले में आ गया और उसके पीछे से आ गया क्वीन, ठीक है गाइस। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा आर्मी का, वहाँ से भी आर्मी को कॉपी कर सकते हो, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। लेकिन क्वीन बाहर चला गया, कोई बात नहीं, देखते हैं बस जैसे ही इस क्लियर होगा या डिफरेंस उसके बाद ब्लिम को हम डिप्ले करेंगे। देखिए इस साइड से हमने ब्लिम को डिप्ले कर दी, देखते हैं। अरे ट्रैप था भाई, अरे यार ब्लिम को अभी नहीं छोड़ना था मेरे को यार, दिक्कत हो गया वहाँ पर। अच्छा हुआ किंग अंदर वहाँ पर आ गया, वाई कैपिंग हमने डाले थे लेकिन थोड़ा लेट हो गया, उस साइड से घूर गया, एयर स्वीपर मारा, कोई बात नहीं, इसलिए लगता है अभी टाउन हॉल टेक डाउन हो जाएगा। क्या टाउन हॉल टेक डाउन हो पाएगा गाइस? ईगल तो मिल जाए भाई, ईगल नहीं मिलेगा, ईगल मिल जाए, ईगल मिल जाए। अरे यार कुछ एच पे बच गया, कोई बात नहीं, क्वीन भी अभी मर जाएगा इस साइड से, देखिए क्वीन भी गया, कोई बात नहीं। बस यहाँ पे हमने चार बैलून्स डिप्ले कर दिए क्योंकि हमको कैनन को क्लियर करना था, और यहाँ पे देखिए तीन चार बैलून्स आ गए क्योंकि इस साइड से हमको ईगल को टेक डाउन करना था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बैलून्स आ गया, पहले हमको लावा डाल देना है, पीछे से बैलून्स आ गया और बूढ़े आ गया, और यहाँ पे एक हेस्ट फेल क्योंकि वहाँ पे एयर डिफरेंस था, ठीक है गाइस। वहाँ पे हमको जरूरी है ज़्यादा वहाँ पे डालने में, ईगल भी मिल जाएगा, देखिए उस साइड से अभी ईगल भी मिल चुका है। यहाँ पे एक लावा आ गया, कुछ बैलून्स, ठीक है, और एक हेस्ट डाल देंगे क्योंकि हमको फटाफट याद रखना है आपको पहले एयर डिफेंस को लेना है। वहाँ पे एक फ्रीज जाएगा क्योंकि मल्टी इन्फोनो था, और वहाँ पे हमने बूढ़े का एबिलिटी भी दे दी वहाँ पे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो सकता था। यहाँ पे एक लावा आ गया, एक बच्चा था हम रखे थे अभी वहाँ पे, देखिए वहाँ पे एक रेस आ गया क्योंकि फटाफट बस क्लियर करना था। सिंगल इन्फो पे हमने डाल दिया एक फ्रीज स्पेल, ठीक है, लगता है बूढ़ा मर जाएगा अभी, कोई बात नहीं, बूढ़ा मरा तो क्या हुआ, बैलून्स कुछ बचे। यहाँ से कुछ मिनियंस आ गए फाइनल के लिए, देखिए साइड से हमने डाल दी, क्या बैलून बच पाएगा। यहाँ पे हमने दो डाल दी मिनियन को क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब करना था एक्सपो को, नहीं तो कुछ मर जाते, बैलून्स मरता तो भाई दिक्कत होता। एक गया बैलून्स, एक ही गया बस, ये दो भी गया, दो ही गया, कोई बात नहीं। देखिए इस साइड से सारे के सारे भी क्लियर हो चुका है अभी, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ क्योंकि सारे के सारे तो डिफरेंस क्लियर हो चुका है, बस फाइनल कुछ बचा है, ठीक है गाइस। बहुत इजी अटैक गाइस, अब एनी भी टाउन हॉल 12 पे इजी 3 स्टार कर सकते हो गाइस। ये रहा हम पहला वेस में 3 स्टार, तो चलिए नेक्स्ट वेस देखते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट वेस, सेकंड वेस, ठीक है गाइस। क्या हमने यहाँ पे किंग को डिप्ले कर दिया, पीछे से क्वीन वॉल पे करा गया क्योंकि किंग क्वीन का अंदर जाना था। यहाँ पे गोलेम आ गया क्योंकि गोलेम को मारने लगेगा अभी वहाँ पे क्वीन, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लावा को डिप्ले कर दिया और पीछे से ब्लिम को, ब्लिम जैसे ही गल पास वहाँ पे फूटेगा खोल देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इंस्पेल हमने पोपेल डाल दिया हमने, उसके बाद हमको ब्लिम हमने फोड़ दी वहाँ पे, और रेस आ गया, और एक इंस्पेल आ गया, इजीली हमको टाउन हॉल भी टेक डाउन हो गया, और एक एयर सुपर भी टेक डाउन हो गया, सिंगल इन्फो भी टेक मिल चुका है हमको, बस ईगल बचा, ईगल भी मिल गया, बहुत अच्छा खासा वैल्यू निकला अभी इसके अंदर। क्या और एक सिंगल इन्फो मिल पाएगा, नहीं मिला, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए किंग इस साइड से अब आराम से फाइनल क्लियर कराए, किंग का एबिलिटी अभी तक बचाया, ख़त्म हो जाएगा अभी, एबिलिटी देना पड़ेगा वहाँ से, एबिलिटी लग गई, क्वीन का एबिलिटी बचाया क्योंकि गोले में वहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्वीन के ऊपर अभी। यहाँ पे देखिए एक लावा आ गया, पर कुछ बैलून्स और एक हेस्टपिल, पीछे से बूढ़े आ गया। यहाँ पे पहले हमने डाल दिया लावा, कुछ बैलून्स, ठीक है, वहाँ पे और एक देखिए हेस्टपिल आ गया। मेरे बारे आपको बोल रहा हूँ यार, जो डिफेंस है वहाँ से आपको हेस्टपिल डालना है, नहीं तो दिक्कत होगा। देखिए वहाँ पे फ्रिज पे हम डालते क्योंकि इसको मार रहा था, ठीक है गाइस। और एक हमारे पैसे देखिए और एक डाल दी क्योंकि फटाफट हमको क्लियर करना है, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता था, कोई नहीं अभी मर जाएगा अभी, एबिलिटी भी ख़त्म हो चुका है। देखते हैं वहाँ पे रेज आया है, देखते हैं बूढ़ा काम ने एबिलिटी दे दी ठीक टाइम पे, क्योंकि भाई दो तीन तीन एक्सबो मार रहा था या तेल से भी मार रहा था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमको डालने में। अब भाई ट्रैप था, घूर गया यार, कोई बात नहीं, सर से हम कुछ डाल दो मिनियन फाइनल के लिए। बस अभी एक एक्सबो बचा है, एक विज़र्ड टावर, एक अक्षर टावर और एक कैनन बचा है डिफरेंस, बस और कुछ नहीं बचा, ठीक है। एक मिल चुका है, एक्सपो मिल चुका है, ये बस अभी अक्षर टावर बचा है और कैनन और
मोटरल बचा है, कोई बात नहीं, अच्छा खासा वैल्यू निकला इस स्पेस के अंदर, बहुत बढ़िया वैल्यू भी निकले सारे के सारे, बहुत सारा क्लियर हो ही चुका है पैनल। इस साइड से कुछ क्लियर कर रहे हैं, ज़्यादा मिनियन भी नहीं बचा, कोई बात नहीं, अच्छा खासा तो वैल्यू निकलेगा इस बेस में। लावा लोन आपकी जब लीजिए, लावा लोन वार पे आपको इजीली होगा, कोई भी दिक्कत वाला चीज़ नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस जी लो, ये आगे हमारा हो गया सेकंड बेस में थ्री स्टार। तो चलिए मैं आपको लास्ट बेस दिखा देता हूँ, मतलब थर्ड बेस, ठीक है। तो गाइस जी ये रहा हमारा थर्ड बेस, ठीक है, ये भी फुली मैक्स है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने किंग गोल्ड पहले डिप्ले कर दिया और एक वॉल ब्रेकर, ठीक है, वहाँ पे एक गोल है मैंने डिप्ले कर दी और पीछे से कोई आ गया, क्योंकि उस कोइन को टेक डाउन करना था, इसलिए हमको पहले देखिए किंग ही टेक डाउन करेगा। वहाँ पे हमने हेड अंडर डाल दिया, थोड़ा डैमेज पड़ गया, नहीं तो हमें गोलेम को दिक्कत हो सकता था वहाँ पे, कोई बात नहीं, देखते हैं। यहाँ पे हमने ब्लेम को डिप्ले करी, क्योंकि यहाँ पे हम ईगल के पास वहाँ पे फोड़ देकर टाउन हॉल को टेक डाउन करना है, ठीक है गाइस। अरे यार वहाँ पे फूट गया कैसे भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पे एक रेस जा गया इंसिपल, हमको ईजिली तो अभी मिल जाएगा ईगल, लेकिन टाउन हॉल कैसे मिलेगा भाई, देखते हैं। ईगल मिल सकता है क्या, और एक इंसिपल तो बचा है, हाँ मिल जाएगा ईजिली, उसके टाउन हॉल नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम टाउन हॉल भी क्लियर करेंगे कैसे, देखिए मैं किया था टाउन को कैसे ही। किंग मर चुका है, कून का एबिलिटी लग चुका है, यहाँ पे देखिए हमने कुछ बैलून्स डाले लावा को, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लावा एक कुछ बैलून्स पीछे से बुढ़े आ गया। यहाँ पे हमने हेस्टफुल यूज़ की, क्योंकि टाउन हॉल को टेक डाउन करना था, जैसे ही टाउन हॉल पास जाएगा यहाँ पे एक हेस्टफुल लगेगा, जैसे ही टाउन हॉल पास जाएगा हम बुढ़े का एबिलिटी दे देंगे, ठीक है, और एक लावा हम बचा के रखे हैं, देखते हैं। वहाँ पे बूढ़े का हमने अपडेट दे दी, क्योंकि टाउन हॉल को टेक डाउन करना था, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपडेट देने में, नहीं तो दिक्कत होगा हमको वहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक हेस्ट पे लगे, क्योंकि फटाफट यहाँ पे उसको क्लियर करना था एक्सपो को। यहाँ पे देखिए एक लावा आ गया, इस साइड से उनको मारने लगेंगे अभी, कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही मैंने जल्दी डाल दिया, नहीं डालता तो वहाँ से जाकर कुछ बच जाते, मेरे को याद नहीं था भाई एक लावा एक बचा है, मैंने सोचा वहाँ पे हमने ड्रॉप करके उसके बाद लीम को छोड़ा ना, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तो कुछ अभी बैलून्स भी बच जाते लास्ट में, दिक्कत हो गया हमारा, कोई बात नहीं। यहाँ पर कुछ मिनियन आ गए फनल के लिए, देखिए इस साइड से और इस साइड से कुछ, और इस साइड से भी लावा फूट चुका है, मर चुका है लावा, ठीक है, देखते हैं बूढ़ा बचा है अभी तक, बूढ़ा लगता है मर जाएगा अभी, हाँ बूढ़ा ही मारेगा, क्योंकि एयर स्केलेटन मार रहा है उसको, कोई बात नहीं, बस बहुत सारा बैलून बचेंगे। यहाँ पे देखिए किंग को टेक डाउन कर रहे हैं अभी मिनियन, भाई क्या ही बोलूँ, अरे फाइनल को क्लियर करो यार, पहले किंग को मारो भी लास्ट में, अरे वार्डन भाई मार उसको, अबे ये मार क्यों नहीं रहा है भाई, क्या सीन है भाई, मारने के लिए जा रहा है मार नहीं पा रहा है, हाट यार वार्डन ईजिली बच जाता भाई, ये क्या ग्लिच है या क्या है मेरे को पता नहीं, वार्डन तो उसको मार रहा था, अब मिनियन जा रहे हैं मारने उसको पीछे, वार्डन मार रहा था भाई, दो बार मारा लेकिन लगी क्यों नहीं, कोई बात नहीं गाइस, ये हमारा थर्ड बेस में लास्ट बेस में हो गया हमारा थ्री स्टार, ठीक है गाइस। हाँ भाई साहब आज के लिए इतना ही था, अरे वीडियो अच्छा रही लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, अरे का अच्छा सा कमेंट कर देना, और कुछ स्टडी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए वीडियो बना ही दूँगा, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।